जय जोहार, जय झारखंड, जय जोहार, जय झारखंड। तो संगी मने जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आज हम इन प्रोग्राम करे आए ही अपन जे कार्यशाला के बारे में बताए आए ही, जे हम इनके जन जागरण अभियान चला थे पूरा झारखंड में, उकर तहत हम आए ही रांची से करीब करीब समझ लो 35-40 किलोमीटर दूर है, बेड़ो जगह है, और वहाँ है एक करमचंद भगत महाविद्यालय, और यही कैंपस है, पूरा आदिवासी बहुल इलाका है। तो हम लोग यहाँ पर अपनी जो कार्यशाला है उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है उसके ऊपर हमें फिल्म बनाने, उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करने के लिए आए हैं। तो मधुमिता, थोड़े में बताइए क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। इधर आज बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे सारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारी मूवी अनवांटेड के बारे में चर्चा करेंगे, उसको नागपुरी में कैसे रीमेक करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, और बहुत सारा चीज़ें, अपनी भाषा, अपनी सिनेमा, अपनी पहचान। जी हाँ, तो हमें उकर में कही लगा कि अपन भाषा, अपन संस्कृति और अपन सिनेमा। तो अपन सिनेमा जो है उकर में कला अवत है, तो हम इनके जो कला है उसे कैसे दिखाए, कैसे उके वर्ल्ड फोरम में ले जाके, खाली झारखंड नहीं, खाली हिंदुस्तान नहीं, उके पूरे वर्ल्ड फोरम में हम इनके दिखाए कि हम इनकी कला संस्कृति कितना मजबूत है। तो वह खातिर हम इन स्टूडेंट से मिले वाला ही, उमन से बतियाब, उमन के बताब कि इस क्षेत्र में जो कला संस्कृति, फिल्म और वीडियो जो है, सिनेमा और वीडियो, कला संस्कृति और व्यापार जो है, कला है, रोजगार है और व्यापार के कितना बड़ा चांसेस है इकर में। पूरे झारखंड की एक खास बात है कि यहाँ पर जितने भी महाविद्यालय विद्यालय हैं वो प्रकृति के बीच में हैं, और प्रकृति को बिना डिस्टर्ब किए हुए उसके साये में, उसके संरक्षण में चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि ये जो इलाका, ये पहले टंगरा था, यहाँ पर केवल कुछ प्लांटेशन किए हुए थे यूकेलिप्टस के, और ये काफ़ी बैरन लैंड था। तो यहाँ पर इस महाविद्यालय की स्थापना हुई, और यहीं पर इस जगह पर आप देखिए कि अब जो है, अब कितनी हरियाली है। हमारे घर रातू से बेड़ो की दूरी करीब 35 किलोमीटर है, और वहाँ जाने के 3 रास्ते हैं। हम लोग सुबह 10 बजे ही निकल गए क्योंकि हम लोगों को 11:30 बजे तक बेड़ो कॉलेज में पहुँचना था। हम लोगों ने बीच का रास्ता चुना जो बहुत से सुंदर दृश्यों से होते हुए जाता है। खेतों में रोपा करीब करीब पूरा हो गया है, लेकिन रोड किनारे के कुछ खेत पड़ती रह गए हैं। रोड के दोनों किनारों पर काशी फूल, जिसे हम लोग झारखंड में बोलते हैं और बंगला में काश फूल बोलते हैं, पूरी शान से खिले हुए हैं। यह कोयल नदी है जिसे यहाँ के लोग पंडरा नदी कहते हैं। काशी फूल की खूबसूरती किसी को भी रोक कर सेल्फी लेने के लिए विवश कर लेती है, ललायत करती है, हमें भी कर रही है, पर हमें 11:30 बजे तक कॉलेज पहुँचना है, इसलिए हम संयम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और यह इटकी प्रखंड का इलाका है जहाँ हम पहुँच रहे हैं। ये लेफ्ट साइड में जो रंगीन हॉकर है उसकी मैंने वीडियो लेने की बात कही, और जैसे ही मधुमिता ने वीडियो को बंद किया वैसे ही एक ऑल्टो कार ने हमारी नैनो को पीछे से जोरदार टक्कर मारा। और अभी हम लोग बहुत जोर बच गए हैं क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी ने हमारे गाड़ी को आके पीछे से धक्का मारा, और जो लोगों ने धक्का मारा ना उनके पास लाइसेंस है ना गाड़ी का ब्रेक ठीक था। इसका वीडियो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ऑल्टो कार वालों की कई गलतियां थी। हम लोग पास के थाने में खबर देकर कॉलेज की ओर चले क्योंकि वही हमें समय से पहुंचना बहुत ज़रूरी था। और हम लोग यहां महाविद्यालय प्रांगण में पहुंच गए हैं। हमारी फिल्म अनवांटेड की स्टैंडी को उसी जगह में लगा दिया है, और ये हैं जनजातीय भाषा संस्कृति विभाग से श्री विकास कुमार सिन्हा जी, ये नागपुरी के प्रोफेसर हैं। उसके विषय में हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एकदम इनफॉर्मल डिस्कशन होगा, जिसको जो बोलना है, पूछना है, आप लोग पूछ सकते हैं। ये शहर से दूर है, शांत है, और यहाँ के छात्रों की एक्टिविटी भी उसी तरीके से शांत और सौम्य है। कहानी है, कहानी के बाद आती है उसमें पटकथा, और पटकथा के बाद आते हैं संवाद। तो ये 3 डिपार्टमेंट से घूमते हैं। इसके अलावा बीच है, तो ये लिखने का काम है। हम पुनः अपने निश्चय, उद्देश्य और ज़रूरत के बारे में विद्यार्थियों को बता रहे हैं कि क्यों हमारे राज्य झारखंड में जनजातीय भाषा संस्कृति के प्रति जागरूकता जरूरी है। तो रावरे से हम नकुरिया में बच गया, सब क्या पार में समझे पार में सारे लोग कौन है जो नकुरिया ले भी देना।
हमारे झारखंड में कितना पॉपुलेशन है? 3,29,00,000, इधर से कुछ और है। वेरी गुड। अच्छा एक और क्वेश्चन, कितना कल्चर है, मतलब कितनी बोली है झारखंड? जैसे फुड़ूक, कौन भाषा कौन बोलता है फुड़ूक? तुम लोग बोलो। जैसे मुंडारी, संथाली। तो वही अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सिनेमा और वीडियो के जरिए अपन माय माटी भाषा संस्कृति को बचा सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं। हम अपनी कला से कैसे रोजगार और व्यापार कर सकते हैं, कैसे इस डिजिटल युग का फायदा उठा सकते हैं। जब इन क्षेत्रीय भाषाओं में जब हम फिल्म बनाएंगे, एक फिल्म में कम से कम 50-100 लोगों को काम मिलता है। तो हम लोग इस अभियान को आप लोगों तक, आप जैसे जितने भी लोग हैं वहां तक ले जा रहे हैं ताकि वो लोग जाने, और एक तरह का जन जागरण भी है, एक तरह से हम उस अपॉर्चुनिटी को आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। जैसे आपके बीच से कोई टैलेंट है, कोई राइटिंग सकता है, राइटिंग में भी क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि कहानी लेखन, लेकिन सिर्फ कहानी लेखन के अंदर भी चार पार्ट होते हैं कि अपन ये आसपास में जो टैलेंट है उसे प्रोत्साहन देवे है, तो प्रोत्साहन देवा और अच्छा काम करके। एक दूसरे से जुड़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम अपने राज्य को एक उन्नत संस्कृति वाला राज्य बनाने के लिए। जय जोहार। करमचंद भगत महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय और सभी शुभचिंतकों का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। अगर आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के कॉलेज और विद्यालयों में आकर अपनी माय माटी भाषा संस्कृति पर, झारखंड में सिनेमा वीडियो के विकास पर जानकारी साझा करें, एक दूसरे से जुड़ें, कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे, तब तक जय जोहार।